अलैकुम किचन विद मदिया में आप सबका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्लावर ब्रेड चिकन रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमें चाहिए अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक जो है हमें चाहिए प्याज जिसको मैंने जो है वो बहुत बारीक चॉप कर लिया है, और हमारे पास है ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और साथ है हमारे पास चिकन। अब एक पैन में जो है वो हम 1 टेबल स्पून जो है वो बटर डाल लेंगे। अब हम इसमें जो है वो चॉप अनियन जो हमने की हुई थी वो इसमें डाल देंगे। अनियन को जो है हम थोड़ी देर के लिए जो है वो सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही अनियन जो है वो सॉफ्ट होगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। जी अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे चिकन। हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर। चिकन को जो है वो हम जो है वो ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं तो आपसे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून सोया का। वन टेबल स्पून जो है हम इसमें ऐड करेंगे सोया का। हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क। चिकन को जो है वो थोड़ी देर और जो है वो पकाएंगे तो फिर हमारी चिकन रेडी हो जाएगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्रेड को बनाना। जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो मैं पिज़्ज़ा डो यूज़ कर रही हूँ। पिज़्ज़ा डो बनाने की रेसिपी जो है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा जो है वाटर डस्ट करेंगे इसमें, इसको
जो है वो इसकी हम पार्टीशन कर लेंगे। ओके जी, अब इस एक साइड को लेकर जो है वो हम इसका और हम इसके पेड़े जो है अब वो बना लेंगे। हम इसमें जो है वो अपनी स्टफिंग को जो है वो फिल करेंगे। अब जो है हम इसे साइड से कट लगा लेंगे। बहुत एहतियात से जो है वो आपको इसको करना पड़ेगा। अब जो है वो इसको सीजर की मदद से भी जो है वो कट कर सकते हैं। अब इसको जो है वो हम यहाँ से करेंगे थोड़ा सा प्रेस, उस पर हम जो है वैसे सफ़ेद तेल लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है वो फ्लावर की शेप में रेडी हो गया। इसी तरह जो है हम बाकी बना लेंगे। जी फ्लावर जो है वो हमारे बन गए हैं और उसके ऊपर जो है वो हमने सीड्स भी लगा दिए। अब इसके ऊपर जो है वो हम को बीट करके तो वो लगा देंगे फॉर द कलर। देखो जो है वो हमने 7 to 8 minutes के लिए जो है वो इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो प्री हीट कर लिया था। अब हम जो है वो इसमें इसको रख देंगे। पहले प्री हीट करने से जो है वो जो पतीला है ना वो बिल्कुल ओवन की तरह जो है वो काम देता है। तो अब जो है वो हम इसको 15 minutes के लिए जो है वो लो फ्लेम पे जो है वो पकाएंगे। जी व्यूअर्स, फ्लावर बन जो है हमारे बनकर बिल्कुल रेडी है और आप देखिए कितने खूबसूरत जो है वो बने हैं और टेस्ट में भी इतने ही मज़े के हैं जितने ये लुक से मज़ेदार लग रहे हैं। तो अब मैं आपको जो है वो इसको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के बने हैं।
वन में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।